साथियों, हम लोग जो घर पे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, इसके पीछे जो है ना कहीं उस वर्ग की मेहनत होती है जिसको हमको मालूम नहीं होता है। हम लोग तो दे देते हैं कि लाओ भाई धो के चले आना, वो आदमी घर पे चला आता है, लेकिन मालूम नहीं होता है कि आदमी कितना मेहनत करता है। ये लोग भी हमारे समाज के सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। मैं आज चला आया हूँ ढूंढते ढांढते एक ऐसी जगह पर, धोबी घाट कहलाता है। ये देखिए, इस तरीके से देखिए। चलिए बात करते हैं इनसे। अपना नाम बताइए ज़रा। विनोद कुमार है। विनोद कुमार। विनोद कुमार। अच्छा, ये आप अपना नाम बताइए। प्रदीप कुमार। देखिए, यहाँ दो लोग हैं। ये बताइए, ये जो कपड़े अभी इस समय बजाय है, ये यहाँ कब आ जाते कपड़े धोने के लिए? हैं, आगे आप क्या बता रहे हैं? आगे आइए जरा सर, आगे आइए। सुबह 4 बजे आप लोग आ जाते हैं। साथियों, ये देखिए, जब हम लोग सोए रहते हैं, खटाटे लेते रहते हैं इसी में, उस समय ये लोग 4 बजे आके ये मतलब ये जो कपड़े आप लोग धोते हैं, जैसे घर में जो है सुपर रिन या इस टाइप की साबुन होती है, आप कहाँ से धोते हैं ये कपड़े? में क्या करते थे, बड़े बड़े दाग धब्बे इस तरीके से लग जाते हैं। 5 मिनट के लिए आप भी इधर आ जाइए, इधर आइए, ले आइए कैंपिंग, इधर आइए। अच्छा, कोई बात, देखिए ये जो ये बताइए, ये जो बड़े बड़े दाग धब्बे लग जाते हैं घर पे, तो धुलते नहीं है, ये कैसे धुलते हैं? वो कैसे धुलते हैं? केमिकल आता है। केमिकल? जी सर। अच्छा, निकालते हैं तो वो केमिकल ये दाग को निपटा देता है। अच्छा, ये बताइए, सुबह से 4 बजे आते हैं और पहले क्या करते हैं कपड़ों को धोने के लिए? जो हम लोगों के कपड़े तो कभी साफ ही नहीं होते, आपके कपड़े इतने साफ कैसे हो जाते हैं? उसके बाद पीट के धोते हैं, उसके बाद में दवा ब्लीचिंग लगाते हैं। अच्छा, और केमिकल लगाते हैं तब दाग धब्बे निकलते हैं। साथियों, देखिए ये पूरा जो है ये क्षेत्र है, ये कभी दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, जहाँ पर ये देखिए बड़ा बड़ा एक टब है इनका, ये देखिए इतने बड़े बड़े। अच्छा, ये टब वगैरह रखा है कि नहीं रखे भैया? ये जो आपने रखे हैं ये अच्छा, ये कपड़े भिगोने के लिए रखा है। अच्छा, ये देखिए सब कपड़े भिगोने के लिए सब रखे हैं। अच्छा, ये सबका अलग अलग अलाट है ये? ये कई लोगों का, ये देखिए सामूहिक रूप से गवर्नमेंट का है, ये बना रखा है इन लोगों ने अपने अपने कपड़े धोने के लिए, एक सामूहिक बहाना। कपड़े जो हैं कपड़ों की तरह जो है क्या कहते हैं, कपड़ों से ही जीविका चलती है। जब जाते हैं आप तो लोगों से कपड़े लेके आते हैं, तो धो के और प्रेस करके दे के आते हैं। जैसे एक कपड़ा होता है तो लगभग आप धुलाई प्रेस कराई सब कितना पैसा लेते हैं? 15 रुपये मिलता है। एक कपड़े का 15 रुपये मिलता है, मात्र 15 रुपये। हाँ। अच्छा, तो लॉन्ड्री वाला तो बहुत ज्यादा लेता है। हाँ, तो लॉन्ड्री वाले लेते हैं, वो ज्यादा लेते हैं। हाँ, हाँ। देखिए साथियों, देखिए लॉन्ड्री वाला जो है एक कपड़े के मुझे लगता है कि 40 लेता है, आपको केवल 15 रुपये मिलता है। देखिए कितना अंतर है, मेहनत हम ही लोग करते हैं लेकिन लॉन्ड्री का नाम होता है। अच्छा, देखिए साथियों, कपड़े हम ही लोग धोते हैं, लॉन्ड्री वाले आपको दे देते हैं। देखिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि लॉन्ड्री वाले जो है इनको कपड़े दे देते हैं और 15 रुपये देते हैं, लॉन्ड्री वाले जो चार्ज करते हैं वो 40 रुपये चार्ज करते हैं। इस तरीके से देखिए कितना सोशल होता है। तो सीधे में तो लोग आपको देते होंगे, सीधे घरों से नहीं लाते हैं? हम लोग घरेलू का वो कौन लेती है, वो भी यही करती हैं। अच्छा, देखिए एक अम्मा भी है ये यहाँ पर देख रहा हूँ, देखिए अम्मा भी देखिए कितना मेहनत कर रही हैं। देखिए आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम राजू कनौजिया। अच्छा, बस जी। अच्छा अच्छा, ये देखिए इस तरीके से जो है, अच्छा ये इसी में कपड़े डालते हैं निकालते हैं। साथियों, मैं उस वर्ग की मेहनत को दिखा रहा था आपको, जो हमारे आपके लिए करता है। ऐसे लोगों को जो है हमको नमन करना चाहिए और ये जो है ना कुछ सम्मान देना चाहिए। सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, हम समाज में
निम्न वर्गों को सम्मान नहीं देते हैं। सम्मान एक बहुत बड़ी भावना है और हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान करें।